Assalamualaikum. A very happy lovely morning, dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? सी यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. वेरी नाइस. जी जनाब, टुडे वी आर प्रेजेंट इन अवर साइंस क्लास. जी ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 14. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस फ्लैश लाइट इज पावर्ड बाय द टच ऑफ योर हैंड. वॉट इंटरेस्टिंग चैप्टर, इज़न्ट इट? जी हाँ, फ्लैश लाइट यानी कि वॉट इज फ्लैश लाइट? टॉर्च, इज़न्ट इट? और किस तरीके से टॉर्च हम यूज़ करते हैं? बाय द यूज़ ऑफ अवर हैंड्स, इज़न्ट इट? जी हाँ, आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या इन्वेंट किया है. उन्होंने एक एलईडी डिवाइस इन्वेंट की है जो के बॉडी हीट से, हमारी जो बॉडी हीट निकलती है उससे वो लाइट अप होती है. जो हमारी एनर्जी होती है उससे वो लाइट अप होती है. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, ठीक है? सो आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो गो एंड टेक आउट योर बुक्स एंड योर नोटबुक्स, बिकॉज यू हैव टू नोट डाउन दैट न्यू वर्ड्स इन योर कॉपीज. वेरी नाइस, कम ऑन. द फर्स्ट वर्ड इज गैजेट. गैजेट, अच्छा गैजेट क्या होते हैं? द मीनिंग इज अ डिवाइस दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. यानी कि कोई ऐसा आला, ठीक है, आला होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जिसके ज़रिए हम कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो उससे हम क्या कहते हैं? गैजेट. क्या कहते हैं? गैजेट. जी हाँ, अच्छा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वॉटेज. वॉटेज, अच्छा वॉटेज द मीनिंग इज अमाउंट ऑफ पावर एक्सप्रेस्ड इन वॉट टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है जब हम ऑपरेट करते हैं तो अमाउंट ऑफ पावर एक आती है, ठीक है. पावर के ज़रिए कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, अगर टीवी वगैरह भी हमें ऑन करना पड़ता है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? बटन ऑन करना पड़ता है पावर का, लाइट का, ठीक है. पावर का हम बटन ऑन करते हैं तभी जाके टीवी या एलईडी वगैरह स्टार्टअप होते हैं. तो जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है उसको स्टार्ट करने के लिए जो पावर अप्लाई की जाती है उसको, जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है कौन से सिंबल में? वॉट्स में, ठीक है. तो ये क्या कहलाता है? वॉटेज. क्या कहलाता है? वॉटेज. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैश लाइट. फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट मीन्स टॉर्च, ठीक है. अ पोर्टेबल हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक लाइट. अ पोर्टेबल हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि पोर्टेबल यानी कि फ्रीली विदाउट वायरलेस, यानी कि विदाउट वायर हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है. हम उसे क्या कहते हैं? टॉर्च. और इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लैश लाइट. वेरी गुड. नाउ हॉलोड. हॉलोड फॉर्म बाय मेकिंग अ होल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है जिसमें हम होल बनाते हैं. एक तरीके से उर्दू में इसका मतलब होता है खोखला कर देना, बिल्कुल खाली कर देना. तो हम इसे क्या कहते हैं? मेकिंग, फॉर्म बाय मेकिंग अ होल. किसी भी चीज़ में होल करके उसे खोखला बनाया जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है हॉलोड. नाउ इन्वेंशन. इन्वेंशन क्रिएटिव एबिलिटी और अ प्रोसेस और डिवाइस डैट हैज़ बीन इन्वेंटेड. अच्छा क्रिएटिव एबिलिटी या फिर प्रोसेस और डिवाइस
या फिर कोई ऐसी डिवाइस जो कि इन्वेंट की जाती है, ईजाद की जाती है। और वो कोई भी चीज़ हम कब ईजाद करते हैं, जब हमारे अंदर कोई क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं, तभी जाकर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और रिसर्च करते हैं और फिर कोई ना कोई चीज़ हम ईजाद करते हैं, यानी कि इन्वेंट करते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन। क्या कहते हैं, इन्वेंशन, किसी भी चीज़ को रिसर्च बेस पर ईजाद करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इन्वेंशन। और टेक्नोलॉजीज़ में ये सारी चीज़ें इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है जी जनाब। ये कौन से वर्ड्स है, ये कुछ न्यू वर्ड्स है जो हमने फाइंड आउट करे थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लें अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स, और जब आपके टीचर आपको कॉल करेंगे आप उन्हें अपना वर्ड चेक करवाएंगे, उनके साथ इन न्यू वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.